1972 और आज की डेट है 6 अप्रैल 2023। मुरली के मेन पॉइंट्स पहले सुनेंगे। आज बाबा ने इस मुरली में अंतिम सेवा की अर्थात परमात्म प्रत्यक्षता के लिए क्या करना है इस बारे में बताया है। बाबा कहते हैं अंतिम सेवा उन विद्वानों आचार्यों और गुरुओं की करनी है जिन्होंने यथार्थ ज्ञान को अयथार्थ बनाकर लोगों को फंसाया है। बाबा कहते हैं कि हम पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर बनकर उन पर घेराव डाले। बाबा कह रहे हैं कि अंतिम प्रभाव का साधन यही है जिसका गायन है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। इसमें यह सेवा करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि हमें रमता योगी बनना पड़ेगा। तो रमता योगी कैसे बनना है इसकी विधि भी बाबा ने इसी मुरली में बताई है, हम देखेंगे। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा से मुरली सुनी, बाबा का आह्वान करें। अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। बाबा कह रहे हैं जैसे गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर नए नए प्लान्स बनाते हैं, कहाँ भी कोई उल्टा कर्तव्य आदि होता है तो उसको चेक करते हैं, वैसे आप भी सभी पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर हो। आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं वह उल्टी राह पर चलाने वाले वह मिलावट करने वाले हैं अथवा गिराने के निमित्त हैं, उन्हों के लिए नए नए प्लान्स बनाते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं वह गवर्नमेंट भी सदैव नई नई प्लान्स बनाती है ना, जिससे मिलावट करने वाले उन्हों की नजर से बच नहीं पाते हैं। अभी चारों ओर आवाज तो फैला दिया है लेकिन यह विद्वान आचार्य आदि जो निमित्त बने हुए हैं यथार्थ ज्ञान के बदले अयथार्थ रीति देने, उन्हों की तरफ अटेंशन जाता है क्या? एक द्वारा भी अनेकों को आवाज पहुंचता है, वह कौन निमित्त बन सकता है? अब आप पूछ रहे हैं कि इन आचार्यों की सेवा करने के लिए कौन निमित्त बन सकता है। साधारण जनता को तो सुनाते रहते हो, उनमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथाशक्ति पुरुषार्थ करते चल रहे हैं, लेकिन जो आवाज फैलना है वह किन्हों के द्वारा? शक्तियों का जो अंतिम गायन है वह क्या इस साधारण जनता के प्रति गायन है? शक्तियों की शक्ति की प्रत्यक्षता इन साधारण जनता द्वारा होगी। जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हों के द्वारा इतना आवाज नहीं फैल सकता, क्योंकि आजकल जो भी नेता बनते हैं इन सभी की बुराइयां जनता जानती है। आजकल प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, तो नेताओं की आवाज का प्रभाव नहीं है।
बाबा कह रहे हैं, नेताओं की तो सारी पोल जनता जानती होती है, तो अगर वो कुछ कहेंगे तो उनसे आवाज नहीं फैलेगी, उनका प्रभाव नहीं इतना पड़ेगा। तो एक द्वारा अनेकों तक आवाज करने के निमित्त कौन बनेगा? इन गुरुओं की जंजीरों में तो सभी फंसे हुए हैं ना, भले अंदर में क्या भी हो, लेकिन उन्हों के शिष्य अंधश्रद्धा से सत सत करने के आदति हैं। नेताओं के पीछे सत सत करने वाले नहीं है। तो शक्तियों का जो गायन है वह कब प्रैक्टिकल में आना है, वह उसके लिए अब धरती नहीं बनी है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे युद्ध में किसी राजा को हम बंदी बना देते हैं तो उसकी सारी सेना भी हमारे कब्जे में आ जाती है। उसी प्रकार किसी एक गुरु की हमने सेवा कर ली, अगर वो फिर जो भी कहेंगे उसके जो शिष्य है वो अंधश्रद्धा से या उसके पीछे पीछे सत सत करते हुए वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। आगे पापा कह रहे हैं, वो उसके लिए अब धर्मी नहीं बनी है। जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं वह क्या करते हैं, मिलावट वालों को ही घेराव डालते हैं। मिलावट करने वाले बड़े आदमी होते हैं जिससे गवर्नमेंट को बहुत प्राप्ति होती है, साधारण के पीछे नहीं पड़ते। उन्हों के नए नए प्लान्स बनते रहते हैं कि किस रीति मिलावट को प्रसिद्ध करें। तो ऐसी बुद्धि चलती है कि जो सहज प्रजा बनती है उसमें ही संतुष्ट हो। प्रभाव डालने का जो मुख्य साधन है वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़े ना, वह कब होगा, जब पहले बुद्धि में प्लान्स चलेंगे, उमंग आएगा कि हमको आज यह करना है, तो अभी वह संकल्प उठते हैं, वह संकल्प ही मर्ज है। जैसे सर्विस चलती रहती है ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है। बाबा हमेशा चाहते हैं कि प्रजा से ज्यादा वारिस बच्चे पैदा हो, है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो साधारण आत्माओं की हम सेवा करेंगे तो उससे तो प्रजा बनेगी, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वारिस पैदा होंगे। लेकिन आवाज फैलने का साधन जिससे प्रत्यक्षता हो वह प्रैक्टिकल में लाना है। जब विमुख करने वाले सम्मुख आवे तब है प्रभाव। बाबा से विमुख करने वाले, भगवान से विमुख करने वाले, ये आचार्य, ये विद्वान, ये गुरु, वही सब है ना, तो वे जब सम्मुख आवे यानी कि उन पर अगर प्रभाव पड़ता है अपने बाबा के इस ज्ञान का, जब वे हमारे साथ मिलेंगे तो सभी प्रजा पर भी प्रभाव पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं बाकी विमुख होने वाले सम्मुख आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। विमुख होने वाले यानी कि जो आम प्रजा है, साधारण प्रजा है, इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का, कुमारियों का गायन है। बाबा अपने से भी ज्यादा कुमारियों को आगे रखते हैं। कन्याएं अर्थात ब्रह्मा कुमारियां, इसका मतलब यह नहीं है कि कुमारी ही हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सभी है। बाबा अपने बच्चों को आगे करते हैं सेवा के लिए।
कन्याओं द्वारा बाण मरवाए हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आए, सम्मुख शक्तियों को रखा। तो जो प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है, तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्होंने ही गाया हुआ है। वह उमंग उत्साह है। क्या सेमिनार करने में ही खुश हो? यह तो सभी साधन है नंबरवार प्रजा बनाने के। कुछ न कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है। लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल लाने में अभी से तैयारी करो। पहले तो संकल्प रखो, फिर उसका प्लान बनाओ, फिर प्लान से प्रैक्टिकल में आओ। उसमें भी समय तो चाहिए ना। शुरू तो अभी से करना पड़े। जैसे शुरू शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हों को ही संदेश देना है। ये बाबा यज्ञ की आदिकाल की बात कर रहे हैं। बीच में प्रजा के विस्तार में चले गए, लेकिन जो आदि में था वह अंत में भी आना है। यानी कि शुरू में जैसे दादियों ने सर्विस शुरू की, कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे कंडीशंस में भी रहते थे, बाबा कहते हैं कि वह अंत में भी आना है। जैसे माया की जंजीरों से छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे यह भी बड़ी जंजीर है। और अब तो दिन प्रतिदिन यह जंजीरें मोहिनी रूप लेते हुए अपनी तरफ खींचती जा रही है। वह अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीर में फंसाते जाते हैं। अब आजकल जो आचार्य वगैरह सब है उनकी बात कर रहे हैं कि वे अल्पकाल की बुद्धि से कुछ ना कुछ प्राप्ति करा देते हैं और साधारण प्रजा को फंसाते रहते हैं अपने आप में। जनता ये नहीं जानती है कि अल्पकाल की बुद्धि हमें सिर्फ अल्पकाल की प्राप्ति ही कराती है। बाबा कह रहे इन मोहिनी रूप की जंजीरों से हमें छुड़ाना है। उन्होंने सभी को कब छुड़ाएंगे? अंतिम प्रभाव का साधन यही है जिसका गायन भी है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। अंडरलाइन करें इस बात को। इस महावाक्य पे हम गौर कर सकते हैं। अंतिम प्रभाव का साधन यही है जिसका गायन भी है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। गायन तो कमालियत का होता है ना। साधारण जनता को सुनाते रहते हो वह क्या बड़ी बात है। यह तो वह मिलावट वाले भी करते हैं। झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों के पोल खोल दो, उन्हों को झुकाओ, तब कमाल है। ऐसी कमाल दिखाने के लिए बुद्धि चलती है। बाबा कह रहे हैं असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो। अंडरलाइन करिए इसको भी। असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब तो सत्य की जय हो। जय जयकार होगी ही तब। फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके लिए प्लान्स चाहिए, तरीका चाहिए,
और अंदर में वह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं। इन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं। बाबा सेवा के लिए हमें तैयार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि क्या करना है। पहले प्लान्स बनाने हैं, सही तरीका अपनाना है, और साथ साथ अंदर में हमें नशा चाहिए, तो जिम्मेवारी उठानी है कि हम ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, निमित्त बने हैं। आगे कह रहे बाबा, यह अंदर से उमंग उत्साह आवे तब यह काम हो सकता है, यह प्रोग्राम से नहीं हो सकता। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे। उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आएगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे यह करना है, वह प्रैक्टिकल हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर कोई दूसरा हमें प्रोग्राम देता है तो उसके अनुसार हम नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर जो सामना करना होगा किसी भी परिस्थिति का, तो उसकी शक्ति हमें होगी नहीं। लेकिन अगर हमारे दिल में जोश होगा कि मुझे ही यह करना है, तो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में आ सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अभी सभी की नजर कोई कमाल दिन देखने की तरफ है, और बिना शक्तियों के यह कार्य पांडव अथवा कोई कर नहीं सकता। निमित्त शक्तियों को बनाना है। जैसे शुरू शुरू में रमता योगी माफिक, जहां के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे, ऐसा ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए। इसे फिर से पढ़ते हैं। जैसे शुरू शुरू में रमता योगी माफिक, जहां के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे और यथाशक्ति सफलता भी पा लेते थे। तो ये जो शुरू शुरू में सर्विस शुरू हुई, सेवाएं शुरू हुई, दादियों ने जो किया, इसके बारे में बाबा बता रहे थे। रमता योगी बनकर जोश में चल पड़ना, ऐसा ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गए हो, और जो रचना रची है उसको पालने में भी समय बीत जाता है। अच्छा, बुक में जो मेन पॉइंट यहाँ पे दिया है वह पढ़ते हैं। अंतिम प्रभाव का साधन यही है, जिसका गायन भी है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। 1 मिनट बाबा की याद में बैठकर कर मुरली के ऊपर थोड़ा मनन चिंतन कर, फिर हम अपने पॉइंट शेयर करें। शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं। क्या बताया आज बाबा ने? सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। हाँ जी बोलिए सागर, बोल सकते हैं। हो रहा है आप सभी बोल सकते हो। बोले कौन शेयर कर सकते? ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा है कि जो अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल पे लाने के लिए बाबा ने कहा है उसकी तैयारी करो। बाबा ने इसलिए हमें इशारा दिया है कि पहले तो संकल्प रखो, फिर उसका प्लान बनाओ, फिर प्लान फिर प्रैक्टिकल में आओ। फिर बाबा ने हमें युक्ति दे रहे हैं कि किस तरह से हमें सेवा के लिए पूरा प्लान बनाना है। बाबा ने उदाहरण भी दिया कि शुरू शुरू में जोश था कि जिनको हमने गिराया है अर्थात जिनको संदेश दिया है उन्हों को ही संदेश, जिन्होंने हमें गिराया, गिराया माना जो लौकिक परिवार थे वो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, या जो विरोध हुआ था जिन्होंने विरोध किया था बाबा ने, बाबा कहते हैं उन्हों को ही संदेश देना है बीच में प्रजा के विस्तार में चले के। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि अंतिम सेवा के लिए रमता योगी बनो। बाबा ने कहा कि जो अपने को महारथी समझते हैं, महारथी जैसे बड़े बड़े गुरु लोग जो अपनी ही बात में अडिग हैं और बड़े बड़े, उन्होंने भी काफी अपनी प्रजा और उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को झुकाओ तब कमाल है। उसके लिए हमें एक रमता योगी अर्थात कि हमारे अंदर जो नशा हो, जो बाबा का नशा हो, बाबा के ज्ञान की धारणा हो, तब उसके हमारे देख के चाल चलन, बाबा कहते हैं ना कि आपके चेहरे से प्रत्यक्षता होगी तब अंतिम प्रभाव की तो निकलेगा। तो जब हमारे चेहरे से प्रत्यक्षता होगी तब उन्हों के ऊपर असर होगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि आप भी क्योंकि शक्ति स्वरूप हो, हमें जो बाबा से योग करके शिव शक्तियां बनाया बाबा ने, तो उसके लिए संकल्प रखो कि हमें अब अंतिम सेवा का तो उसका नशा होना चाहिए। तब प्लान बनाओ कि किस किस तरह, जैसे मधुबन में भी कितने प्लान बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो बड़े बड़े गुरु लोग आते हैं, तो कितने जो बड़े बड़े हमारे महारथी हैं, उषा दीदी और भी बहुत स्पीकर जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो सारी दीदियां कैसे कॉन्फ्रेंस में चलता है पूरा प्रोग्राम, तो वही सारी सेवा चल रही है, तो कितना उमंग उत्साह जोश होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अंतिम प्रभाव का साधन यही है, जिसका गायन भी है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। ओम शांति। जी
और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा कि जैसे बुद्धि में प्लान्स आए, उमंग आए कि हमें करना है, तो किस तरह से हम अपने आप को उमंग उत्साह में लाएं? कई बार सेवा करते करते, वही रूटीन फॉलो करते करते उमंग उत्साह जो है वो कम हो जाता है। किस तरह से हम अपने आप को उमंग उत्साह में लाएं? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे पहले पहले हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो जितना उमंग उत्साह रहता है उतना ही उमंग उत्साह आखिरी दिन तक रहना चाहिए। ओम शांति जी। कैसे लेके आएंगे हम अपने आप को? रहना तो चाहिए। इसके लिए हमें वाचसा वाणी कर्म और शरीर और संबंध से सिर्फ बाबा, इसके सिवा कोई नहीं, और बाबा को ही फॉलो करो, फॉलो फादर करो, ऐसा करना है। ओम शांति। प्लीज करेक्ट मी। जी और कोई बताएगा? शांति दीदी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था जैसे बाबा ने कहा ना, अपने आप को उमंग उत्साह में लेकर आओ, जो जो भी प्लान्स बनाते हो और जो भी कर्तव्य आपका है, जो गायन है इतना शक्तियों का, बाबा ने 2-3 बार कहा आज बोले में, उतना उमंग उत्साह है अपने आप को लेकर आओ। तो कैसे हम अपने आप को इस ब्राह्मण जीवन में चलते हुए, कई बार एक ही रूटीन फॉलो करते रहते हैं, उमंग उत्साह कम हो जाता है, या कई बार हम दूसरों को देख लेते हैं तब भी उमंग उत्साह कम होता है, तो किस तरह से हम अपने आप को निरंतर हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहे, कैसे रखें उसको? शांति, उसके लिए हमको जैसे दादियों ने शुरू में काम किया कि कितने जोश में रहते थे, प्रैक्टिकल जोश में रहते थे कि मुझे कुछ कमाल करके दिखानी है। दादियों के क्लासेस, बड़े भाई बहनों के क्लासेस, और उन लोगों को रमता योगी की माफिक कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, जोश में चल पड़ते थे। और जोश में चलते थे तो फिर उनको शक्तियां भी मिलती थी बाबा की, और सफलता भी पा लेते थे। तो हर समय हमको अपने आप को ये कि अभी अंतिम समय चल रहा है, अब तो बिल्कुल अंतिम का अंतिम समय चल रहा है, हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प मुझे सफल करना है, और मुझे असत्य को सिद्ध करना ही है। बाबा से इतनी पालना ली है तो उसके बाबा के कार्य में मददगार बनना ही है, और असत्य को सत्य सिद्ध करूंगी तभी जय जयकार होगी। तो इसके लिए अंदर में वो नशा और वो प्लान हम बनाते रहे कि हम बाबा के गुप्त अनुचर हैं, हमें ये जो भी लोग हैं, जो महारथी अपने आप को समझते हैं, इनकी पोल खोलनी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, तो हमें ऐसे बुद्धि चलानी है इस प्लान को बनाने के लिए। इसके हम ही इसके लिए निमित्त है। अभी तक तो जो दादियां थी, बाबा ने दादियों के लिए अव्यक्त हुए, दादियों ने बड़ी दीदियों के लिए शरीर छोड़ा, अब दीदियां भी अब सीनियर हो गई है, अब हम लोगों का पार्ट है। हमको बाबा ने दोबारा से अव्यक्त मुरली क्लब ज्वाइन करने का समय दिया है, तो इस सब का हमको रिटर्न पालना लिए तो उसका रिटर्न तो दे नहीं है। तो इसके लिए हमको ये जोश आना चाहिए कि मुझे ये प्रैक्टिकल में करना है। जब दादियों ने किया और उस वक्त तो बहुत कठिन समय था, अब तो हर कोई जानता है, उस वक्त तो सफेद साड़ी देख के दरवाजा ही बंद कर देते थे, कोई आता आती थी दादियां तो। हमारे समय तो बहुत, शिवानी दीदी के बाद से पूरे ही वर्ल्ड में इतनी बात फैल गई है, तो कोई ऐसा हमारा डिसरिगार्ड तो नहीं करता है कि हम जाएं बात करने के लिए और वो हमको बैठने के लिए भी ना कहें, ये तो ब्रह्मा कुमारी है। और हम तो कलर ड्रेस पहन के जाते हैं, कोई व्हाइट ड्रेस भी हम लोगों को पहनने की जरूरत नहीं, उन्हीं की तरह होते हैं हम तो, उनके साथ मिलके
उनको हम ये बातें बाबा का परिचय दे सकते हैं। ओम शांति जी, बोलिए दीवानी जाते हैं। ओम शांति। जैसे हम कभी ज्ञान में चलते चलते उमंग उत्साह कम हो जाता है, एक जैसा ही लगने लगता है, कुछ उमंग नहीं आता कि आगे कुछ और करें, तो उसमें बाबा ने कहा ना कि अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ कि अभी तक जब से ज्ञान में हो कि क्या क्या बाबा का बनने के बाद क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, हमें भगवान मिला है हमें, तो इस तरह के जो महावाक्य हैं वो कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। उनको पढ़ने से भी बहुत नशा आता है, फिर सेंटर पे भी जाके जब संगठन में मुरली सुनेंगे, संगठन में योग करेंगे, तो संगठन की शक्ति भी हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ाती है। फिर बाबा के गीत भी सुन लो, बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, गीत सुनते हुए अगर योग नहीं लग रहा है तो गीत सुनते हुए बाबा के सामने बैठो, तब भी फिर वो उमंग उत्साह धीरे धीरे आना लगता है। फिर बाबा की श्रीमत चेकिंग भी अपनी करनी है कि कहाँ पे हमने श्रीमत को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से हमारा उमंग उत्साह, तो वो चेकिंग करके अपनी उसको करना है फिर उसको सही से। तो इस तरह कुछ शिफ्ट करके हम लोग अपना, और दीदियों की दादियों की क्लासेस हैं बहुत अच्छी अच्छी वो भी सुन सकते हैं, तो इससे चलते फिरते भी हम योग बाबा को साथ लेके चले तो उससे भी उमंग उत्साह आने लगता है। ओम शांति। उमंग उत्साह आने का एक तरीका ये भी है कि अपनी स्थिति को कभी डाउन होने नहीं देना है, कि अगर कोई आके हमें बुरा बोल देता है तो कई दिनों कितने समय तक अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो ये सुख दुख का खेल है, ये तो ड्रामा में उसका पार्ट है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग, हार जीत है, मान अपमान तो होना ही है, तो इस तरह से अपने को बाहर निकाल के दुख ना लेके और अपने आप को उमंग उत्साह में रखना है, क्योंकि आजकल परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जो एकदम से बहुत समय हमारा खराब कर देती हैं, तो वो हमको अपने समय श्वास संकल्प को बचाना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा शुरू शुरू में जब ज्ञान में आते हैं तो हमें इतनी उमंग उत्साह इसीलिए रहती है क्योंकि हमें और कुछ पता नहीं होता, सब ज्ञान को देखकर, बाबा की बातों को देखकर हम चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम चलते चलते बहुत सारी बातों में फिर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते, दूसरों को देखना जब शुरू करते हैं, ये ऐसा वो ऐसा ये ऐसा, तो इससे क्या होता है, हमारा जो उमंग उत्साह है ना फिर कम होने लगता है ना, तो इसीलिए हम दूसरों को ना देख, भले ही ज्ञान में चलते हैं वो भी, लेकिन हमको उनको नहीं देखना है, बाबा जो कहते हैं उस बात पर अटेंशन रखना है। और जैसे भी बहन ने कहा कि प्राप्ति, कि हम बाबा के बनने के बाद मुझे क्या क्या मिला, हम अपनी प्राप्तियों को सदा अपने सामने रखें, है ना, तो प्राप्तियों को अगर सामने रखेंगे और हम अपने आप पर अटेंशन फोकस करेंगे, दूसरा क्या करता है वो हमको नहीं देगा। जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं तब हमारा उमंग उत्साह कम होने लगता है। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। हमारी जो उमंग उत्साह कम होता है तो हमें बाबा डेली की मुरली में सुबह सुबह ही हमें बता देता है हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम इस तरह से हो सकती है और इसका सॉल्यूशन भी क्या बता सकता है। तो बाबा की मुरली और बाबा पर जितना हमारा अटूट निश्चय होगा, बाबा की मुरली के पॉइंट को हम जितना धारण कर पाएंगे, उसको जितना अच्छे से परख और निरख सकेंगे और उस पर मनन चिंतन चला पाएंगे, उतना हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा और दृढ़ता है कि ये मुझे करना ही, और बाबा मेरे साथ है और नहीं कोई, बाबा मेरे साथ है तो मैं हार कैसे सकती हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उमंग उत्साह इस तरह से बना रहेगा। और जो मुझे पॉइंट सिद्ध करनी पॉइंट बतानी है वो कि बाबा कहते हैं कि असत्य को असत्य सिद्ध करना है, तो जब हम असत्य को हम जानते हैं कि ये असत्य है, तो उसके पॉइंट्स को भी हम अच्छी तरह से अगर जान ले कि ये किस किस मुद्दे पर ये सही नहीं है, तो वो मुद्दा हमारे बाबा का मुद्दा किस तरह से, उस वो मुद्दा सही क्या है, उसको हम दोनों असत्य और हमारे श्रीमत के अनुसार जो बाबा की श्रीमत के अनुसार जो सत्य पॉइंट है, इन सब को हम अच्छे से जितनी जानकारी हमारी होगी उतना ही उसको हम
नए नए प्लेन्स के हिसाब से उसको उसकी असत्यता को समझा सकेंगे और उसको बता सकेंगे और हम सिद्ध भी कर पाएंगे कि असत्य सत्य क्या है वो भी बता पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो एक बहुत विशेष इशारा दिए कि बाबा ने कहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं क्योंकि उनका जो बाबा कहते हैं उनका आवाज उतना नहीं है, उनका चरित्रों को बहुत दाग लगते रहते हैं। बाबा ने कहा है कि उनको अगर हम संदेश देंगे तो उतना जो आवाज फैलना जो वो नहीं फैलेगा, इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि गुरु लोग हैं अभी भी उनमें आस्था है लोगों की, तो उन्होंने कहा कि उनको अगर आप तीर मारेंगे तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा मिलावट उन्हीं के द्वारा हो रही है, वो तो नहीं जानते अपनी तरफ से तो सही कर रहे हैं पर क्योंकि जो जो भी ज्ञान देते हो असत्य ही है, तो बाबा ने कहा अगर हम उनको जो है इस ज्ञान के द्वारा उनको ज्ञान बाण मारेंगे, अगर उनको हमने गिरा दिया तो उससे बहुत आवाज फैलेगा। और दूसरा था कि उमंग उत्साह के लिए जो पर्सनली ये देखते हैं कि जितना हम गहराई में जाएंगे स्वयं से स्वयं बात करेंगे, क्लासेस बहुत सुनती है, तो अगर हम खुद का चिंतन नहीं करेंगे, खुद उस गहराई में नहीं जाएंगे, अपने से स्वयं बात नहीं करेंगे, तब तक जो रस जो आनंद उसमें नहीं आ पाता है। ऑप्शन शांति। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए, और किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है? रमता योगी आज बाबा ने कहा, क्या है इसका मतलब रमता योगी? कैसे बन सकते हैं रमता योगी? रमता योगी मतलब जिसको हर समय बाबा के अलावा कोई दिखाई ना दे, देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, वो हर समय बस बाबा बाबा के इसमें ही जो आत्मा होती है, जैसे दादियां थी कि उनको मतलब दुनिया की और कोई चीज आकर्षण ही ना करे बाबा के अलावा, तो कि बस मुझे सेवा करनी है, मैं उनका संसार ही बाबा है, और सेवा करने के लिए वो रमता योगी करके प्रैक्टिकल में फिर यही वो जोश में रहते हैं, जैसे इसमें बाबा ने कहा है कि जोश में चल पड़ते थे, और फिर उनको क्योंकि हमेशा उनके साथ बाबा रहता था तो उनको सफलता भी मिल जाती थी, तो इस तरह से बाबा इसको रमता योगी इसको भी कह सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा कि जिनका संसार ही बाबा है, बाबा ही सब कुछ है, जो एक ही लगन में मगन है, वही क्या है? रमता योगी है। तो उनको खुद ब खुद टचिंग होती है क्या करना है और कैसे करना है, तो और उनको जो है जो भी सेवा के लिए प्लान बनाते हैं या संकल्प आते हैं उनको सफलता भी मिलती है। तो हमने भी अनुभव किया है हम सभी ने कि जब जब हम बाबा की एक लगन में मगन हो जाते हैं, कोई भी कार्य हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो अभी सभी ब्रेकआउट रूम से आ गए हैं मेन रूम में, तो अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी पोल का आंसर देंगे, इसके बाद हमें बहन जी योग भी कराएंगे और होमवर्क भी। ओम शांति। तो आज बाबा ने रमता योगी की डेफिनेशन भी
गुप्त रीति बताई है और सबने डिस्कस भी किया होगा। तो इस प्रकार आज हम बाबा की मुरलियों से कोई भी एक पॉइंट लेंगे और उस पर पूरा मनन चिंतन करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और रमता योगी बनेंगे। एक्चुअली ये होमवर्क हम रोज का ले सकते हैं, क्योंकि रोज लेंगे तो ही हम सच में रमता योगी बनेंगे, भिन्न भिन्न सेवाओं के लिए रेडी हो सकेंगे। तो योग की तरफ बढ़ते हैं। ओम शांति। मैं प्रकृति के भव्य बाल पर विराजमान दिव्य चमकता हुआ सितारा मुझ सितारे से निकल रहा प्रकाश सारे शरीर में चारों ओर फैल रहा है। यह शरीर उस प्रकाश में लोप हो गया है और रह गई मैं निराकार अशरीरी आत्मा। एक सेकेंड में मैं आत्मा उड़कर चली गई अपने घर मीठे शिव बाबा की छत्र छाया में। उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में बाबा की अति समीप मैं विशेष चमकती हुई आत्मा। अब मैं अवतरित होती हूँ सत्यों की सृष्टि में। नए कल्प की आदि के भी आदि में अपने देवी देवता स्वरूप में सत्व प्रधान प्रकृति का आनंद लेने वाली मैं सत्व प्रधान देवात्मा संपूर्ण पवित्र संपूर्ण निर्विकारी सोलह कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाली मैं देवात्मा अब मैं स्वयं को देखती हूँ ऊंचे ऊंचे मंदिरों में अपने पूज्य स्वरूप को इष्ट देवी के रूप में अपनी रहम की दृष्टि द्वारा अपने समक्ष खड़े
हजारों भक्तों पर कृपा दृष्टि करते हुए। स्वयं परमात्मा मेरे इस स्वरूप द्वारा भक्तों की उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनमें शक्ति भरते हैं। अब मैं आत्मा स्वयं को देखती हूँ अपने संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप में। पद्मापदम भाग्यशाली ऐसा मेरा यह स्वरूप स्वयं परमात्मा, जिसे पिता बनकर पालना करते, शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं और सच्चे सद्गुरु बनकर वरदानों से संपन्न करते हैं। त्याग तपस्या द्वारा संपूर्ण पवित्रता को स्वयं में धारण कर मैं अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करती हूँ। डबल लाइट, निर्भार निर्बोझ अवस्था, सर्व की कल्याणकारी में आत्मा अपने इस फरिश्ता स्वरूप में पहुंच जाती, सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के सम्मुख बाबा अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख कर मुझे वरदान देते हैं। बच्चे रमता योगी बाबा, अब मैं आत्मा लौट आई हूँ अपने इस साकार स्वरूप में, इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा के ज्ञान और बाबा की याद में रमन कर रमता योगी भव को के वरदान को स्वरूप में लाने वाला मैं ज्योति बिंदु आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनु बहन जी, बहुत अच्छे से आपने योग कराया। मुरली पढ़े, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति सुप्रिया।